Hello, Kaustubh. Hello. Welcome to the June edition of Monthly Fixed Income Outlook. Kaustubh, recently, after much speculation and anticipation, RBI has announced a 25 bips hike in repo rate. Yes. Actually, policy ke pehle bhi already rates upar ja hi rahe the, yes. With crude prices rising, currency depreciating, aur in dono ka apne country ke fiscal pe kya negative impact padega, ye concerns already the. Is situation mein, rate hike further, how does it impact the bond market? Okay, look, RBI has hiked rates, but at that same time, unhone apna stance neutral rakha hai. Iska matlab hai, RBI jo hai, wo data dependent central banker hai. बिकॉज मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था इस पॉलिसी में रेट हाइक होगा, इसलिए आफ्टर दिस रेट हाइक ऑल्सो यील्ड लेवल्स ब्रॉडली उसी रेंज में हैं जहाँ पे वो प्री पॉलिसी थे. यहाँ से इंक्रीमेंटली मार्केट एक्सपेक्ट करता है दैट RBI 2 से 3 टाइम रेट हाइक और करेगा ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स. RBI इस टाइम फोकस कर रहा है करेंसी की स्टेबिलिटी पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, फिस्कल पॉलिसीज पे, क्रूड के मूवमेंट पे और ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स के एक्शंस पे. टिल द टाइम ये एक्शंस और डेटा ब्रॉडली इन लाइन रहते हैं RBI एस्टिमेट से, ये मुश्किल है कि यील्ड यहाँ से बहुत ऊपर जाएं. ब्रॉडली यील्ड्स हमारा एक्सपेक्टेशन है इसी रेंज में रहेंगे. अगर डेटा सपोर्टिव होता है, विच मीन्स कि अगर ग्लोबल ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होती है, क्रूड के भाव नीचे आता है, फिस्कल टारगेट्स पर थोड़ा और क्लैरिटी आती है, देन मोस्ट लाइकली यील्ड्स यहाँ से नीचे जा सकते हैं. सो कौस्तुभ, 10-year बेंचमार्क जो है हमारा वो ऑलरेडी 8% के लेवल के अराउंड चल ही रहा है. इवन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वेरियस सेगमेंट्स वेरियस टेन्योर्स के जो हैं वो भी काफ़ी हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं. यस. इस सिनेरियो में एक्चुअली अगर देखा जाए म्यूचुअल फंड की मैक्सिमम स्कीमों में YTM काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं आज. yes. पर आपने जैसे अपने पहले जवाब में बताया कि अभी भी 2 से 3 रेट हाइक एंटिसिपेटेड है. yes. इस साल हो या नेक्स्ट साल हो, मतलब स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 years. तो ऐसे सिचुएशन में अगर यील्ड्स इसी रेंज में रहने वाली है या यहाँ से थोड़ी बढ़ भी सकती है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? शुड दे वेट फॉर द रेट हाइक्स टू हैपन एंड फर्दर क्लैरिटी टू कम, और शुड दे इन्वेस्ट इन दीज फंड्स नाउ? ओके, देखिए आपका क्वेश्चन है कि क्या इन्वेस्टर को यहाँ पे वेट करना चाहिए व्हेन RBI has just started rate hikes. Now the point is, June policy के rate hike के बाद भी interest rates कुछ ऊपर नहीं गई हैं, and इसका reason ये है कि market ने ये rate hike anticipate कर लिया था. Now यहाँ से market का consensus है that over next 12 month RBI 2 से 3 बार rate hike करेगा. So till the time RBI का rate hike और rate hardening cycle इसी range में है, unlikely है कि yields जो हैं यहाँ से meaningful ऊपर जाएंगी. Most likely या तो यहाँ पे रहेंगी या यहाँ से नीचे जाएंगी. दूसरा, अगर देखा जाए तो व्हेन RBI स्टार्ट रेट हाइक, थोड़ा सा क्रेडिट कंडीशंस टाइट होती हैं और उसमें इन मनी मैनेजर को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जो पैसा आ रहा है प्लस जो पैसा मैच्योर हो रहा है, उस पैसे को बेटर कवर्नेंट के साथ बेटर यील्ड पे इन्वेस्ट किया जाए. सो इन नट शेल मेरा ये मानना है कि जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 2 से 3 रेट हाइक्स यहाँ से एंटिसिपेट कर लिए हैं, प्राइस इन कर लिए हैं, और यहाँ से एज अ इन्वेस्टर हम लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर कवर्नेंट के साथ इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस भाव पे इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मोस्ट लाइकली उनका एक्सपीरियंस ओवर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर यहाँ से अच्छा ही होना चाहिए. सो कौस्तुभ, इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, यू आर सेइंग दैट एट दीस लेवल्स accrual funds provide a good investment opportunity. Yes. Because agar rate hikes honge bhi, to you do not see a significant upside to yields from here. Yes. So within this accrual space, we have various funds. We have ABSL low duration fund. Yes. Jo 6 se 12 mahine ka duration maintain karega. Then we have short term opportunities fund. Yes. 1 se 3 saal ke duration band mein. Yes. And we have some credit propositions also. Yes. Like ABSL credit risk fund and ABSL medium term fund. Yes. So which funds would you advise to investors under what circumstances? Dekhe, RBI, jo ki gradual rate hike path pe hai, iska indication ye hai कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी एट मार्जिन इम्प्रूव हो रही है, और जब ग्रोथ बेटर होती है तो कंपनीज की बैलेंस शीट इम्प्रूव होती हैं, एंड विच इज़ बेटर फॉर क्रेडिट पेपर्स. दैट्स अ रीज़न आई वुड सजेस्ट जिन इन्वेस्टर्स को हमारे क्रेडिट प्रोसेस पे कंफर्ट है, उनको
आदित्य बिरला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान में आना चाहिए, जिसका YTM ऑलरेडी 10.70 के ऊपर हो चुका है। जिन इन्वेस्टर्स को हाई क्वालिटी और लो ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करना है, उनके लिए मैं सजेस्ट कर लूँगा आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ फंड। थैंक यू कौस्तुभ फॉर द इनसाइटफुल कन्वर्सेशन। I'm sure our investors will now feel a much more better placed in understanding where the fixed income markets are headed in the months to come. Thank you. Happy investing. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.